नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। सबसे बड़े चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा राजद सुप्रीमो लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां राजद के समर्थक अपने नेता का बचाव करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता लालू यादव को निशाने पर ले रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू यादव तो लीपापोती में लग गए थे, हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव जनता के नज़र में दोषी नहीं है। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो अपने पिता के लिए न्याय यात्रा शुरू करेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 21 फरवरी से वो न्याय यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि लालू यादव के लिए अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है, 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा। लेकिन इस बीच बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। वहीं इन सबके बीच राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लालू यादव के दोषी साबित होने के बाद विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि राजनीति की दुनिया में लालू अकेले पापी हैं, बाकी सब तो साधु संत हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़े चारा घोटाला में राजद सुप्रीमो लालू यादव को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद से बिहार में सियासत बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। एक तरफ जहां राजद के समर्थक अपने नेता का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग लगातार लालू यादव को निशाने पर ले रहे हैं। अब राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी बयान दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होने या नहीं होने के पीछे भी राजनीतिक मकसद होता है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव की विरोधी जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि ये सभी साधु संत हैं। सियासत की दुनिया में लालू यादव अकेला पापी हैं, बाकी तो सभी साधु संत हैं। उन्होंने कहा है कि रांची की अदालत से लालू यादव को सजा मिलनी ही थी, क्योंकि वह अदालत इसी से जुड़े हुए बाकी मामलों में सजा दे चुकी है। सब जानते हैं यह एक ही मामला है जिसको 5 मानकर सुनवाई हो रही है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार अभियान चला रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दरमियान उन्होंने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार व घोटाले के कितने आरोप लगाए थे। वही आज सीएम नीतीश को सच्चा समाजवादी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो लालू यादव के दोषी साबित होने के बाद शिवानंद तिवारी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विरोधी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि राजनीति की दुनिया में सभी साधु संत हैं, अकेला लालू यादव ही पापी हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ट्रेंडिंग बिहार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।